हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रितुज मैजिक टिप्स। 4:30 बज रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अभी निकल रही हूँ तिरुवनंतपुरम या त्रिवंदम से थेक्कडी के लिए। ये एक रोड ट्रिप है, तो इस रोड ट्रिप में मैं कौन सी रोड से जाऊँगी, क्या करूँगी, थेक्कडी कब पहुँचूँगी, थेक्कडी जाके क्या करूँगी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। घूमने जा रही हूँ तो सजना सबरना तो बनता है, इसलिए थोड़ा लगेज भी है। तो मैं फटाफट डिकी में लगेज डाल लेती हूँ और आप लोगों के साथ फिर से दोबारा से मिलती हूँ। हम लोग तो निकल पड़े हैं पर सड़कें अभी भी सुनसान है। त्रिवंदम से MC रोड पकड़ के हम लोग आदूर की तरफ रवाना हो गए हैं। सड़कें बिल्कुल खाली है। ये है मन्नंतला जंक्शन। अब हम लोग धीरे धीरे टाउनशिप से बाहर की तरफ जा रहे हैं। जस्ट अभी माइलस्टोन पे देखा, थेक्कडी यहाँ से 208 किलोमीटर की दूरी पर है। वो देखिए, कुछ बाइकर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे यंगस्टर्स के बीच में बाइक से ट्रिप करने की बहुत ज्यादा क्रेज है। अब हम लोग जा रहे हैं किलिमन्नूर होके सबरीमला की रोड पर। सबरीमला के बारे में सबको तो पता ही होगा। सुबह की 6 बज गए हैं, फिर भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। धीरे धीरे सुबह हो रही है, अब आप लोगों को सारे व्यू दिखा पाऊंगी। रोड के दोनों साइड में सिर्फ जंगल ही जंगल है। वाओ, इस चर्च को तो देखिए कितनी सुंदर है। ब्यूटीफुल। इतना शांत वातावरण है ना कि पानी की आवाज भी क्लियरली सुनाई दे रही है। रावर प्लांटेशन। पहाड़ियों पे चढ़ना स्टार्ट हो गया है और रास्ते पे सिर्फ मोड़ ही मोड़ है। रास्ते की दोनों साइड पे सिर्फ रबर प्लांटेशन ही दिखाई देगी। जितना दूर तक आप देख पाएंगे सिर्फ रबर प्लांटेशन ही रबर प्लांटेशन है। सुबह जल्दी निकलने से एक फायदा तो हुआ है, रास्ते में कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिला है। 2 घंटे से चले जा रहे हैं, हाफ रास्ता कवर कर चुके हैं। जरा रास्ते को तो देखिए, इतनी साफ। इतना ही नहीं, रास्ते की दोनों साइड में इतनी सुंदर सुंदर घर है ना कि मैं क्या बताऊं। अब ना चाय की तलब लगी है पर एक भी चाय की दुकान दिखाई नहीं पड़ रही है। ओह माय गॉड, वो देखिए पाइनएप्पल की प्लांट्स। यहाँ से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है कुमिली। अब हम लोग कुमिली की तरफ जा रहे हैं। पाइनएप्पल के बाद फिर से रबर प्लांटेशन। रास्ते की दोनों साइड पे जितनी दूर तक दिखाई पड़ रही है सिर्फ रबर प्लांटेशन ही रबर प्लांटेशन है। रास्ते की व्यू इतनी अच्छी है ना कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। हाय, वाओ, ये देखिए बैम्बू। थोड़ी देर के लिए उतर गए हैं फ्रेश हवा लेने के लिए। फाइनली एक चाय की दुकान मिल गई है, चलिए थोड़ा चाय पी के आते हैं। इस रास्ते से स्ट्रेट 61 किलोमीटर जाएंगे तो थेक्कडी पहुंच जाएंगे। फाइनली मुझे चाय मिल गई है। चाय में शक्कर थोड़ी सी ज्यादा है पर इट्स ओके। ये एक व्यू पॉइंट है। सब लोगों को देख के हम लोग भी यहाँ पे रुक गए। पहाड़ियों को थोड़ा देखिए, ज्यादा ऊंचाइयाँ नहीं है पर इसकी सीनिक ब्यूटी की क्या बात है।
ब्यूटीफुल है ना? रास्ते में एक वाटरफॉल मिल गया है, इसलिए दोबारा रुक गई। अच्छी है ना? मिल गई टी गार्डन, दैट मींस टेकड़ी के नजदीक पहुंच गए हैं। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मस्त वेदर है। भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। और अचानक से एक रेस्टोरेंट भी मिल गया है, टी गार्डन के बिल्कुल बगल में ये रेस्टोरेंट है। वो देखिए, उसी रास्ते से अभी हम लोग आए हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आके बैठ गए हैं। सभी लोग मसाला डोसा खा रहे हैं, इसलिए मैंने भी मसाला डोसा ही ऑर्डर किया। मसाला डोसा, रुकिए टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। टेस्टी रियली। ये रेस्टोरेंट ना बहुत ही अच्छी है। इसकी लोकेशन भी जितनी अच्छी है, इसका खाना भी उतना ही अच्छा है। और क्लीनलीनेस के बारे में तो क्या बताएं? यहाँ की एक फेमस टी ब्रांड है AVT, उसी की फैक्ट्री आउटलेट है। और इस फैक्ट्री आउटलेट के साथ ही ये होटल अन्नपूर्णा प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है। ब्रेकफास्ट हो गया है, अब हम लोग फिर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। सिर्फ 27 किलोमीटर और पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। फाइनली पहुंच गए हैं टेकड़ी। ऑनलाइन हमने इस होमस्टे का बुकिंग किया था। कुछ फॉर्मेलिटीज है, चेकिंग करने के बाद आप लोगों से दोबारा से मिलती हूँ। आज की सफर यहीं तक। नेक्स्ट हब की वीडियो लेकर मिलते हैं जल्द ही। प्लीज कीप वॉचिंग। स्टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।